आदाब बच्चों, क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इस तरह है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी हमें साइन ए और सेक ए और टेन ए को उस फार्मूला में लाना है जिसमें सिर्फ कॉट ए हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन ए को डायरेक्ट कॉट के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन साइन को कोशेक के साथ रिलेशन है और कोशेक को कॉट के साथ रिलेशन। वो इस तरह है, हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या है, कोशेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इसमें कॉट आया है। अब हम क्या करेंगे, कोशेक को चेंज करेंगे, 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। आप क्या करेंगे, शाबाश, आप इस तरह लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम यहां पर लिखेंगे शाबाश, साइन 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी ये फार्म ऑफ आ गई कि यहाँ पर हमने साइन ए को किस फार्म में लिखा है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी साइन को हमने किस फार्म में लिखा है, कॉट फॉर्म में। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस क्यों नहीं, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि आपको एक्यूट एंगल्स हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो यह हम आपको नेगेटिव एंगल नहीं है इस 10th क्लास में, इसलिए हम वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव रखेंगे। दूसरा है कि सेक ए को हम किस तरह लिखेंगे, देखो सेक ए को किसके साथ रिलेशन है, टेन के साथ। आप देखो सेक दूसरा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारे पास फॉर्म है। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू शाबाश 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये बन गई फॉर्म। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए, कैंसिल आउट किया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, सेक इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉट ए, ठीक है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर का, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो सेक ए है, ये लिखा हमने अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए, ये आया इसका फॉर्म, ठीक है। यानी हमने सेक को किस टर्म में इस्तेमाल किया, कॉट में, कॉट किसके बराबर निकला, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉट ए। आप लिखना है कॉट ए, टेन ए, टेन ए का सीधा है कि टेन ए को हम लिखेंगे डायरेक्ट 1 बाई कॉट ए, ये फार्म है इसकी। यानी टेन को एक्सप्रेस किया 1 बाई कॉट ए, सेक को भी किया, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8.4 क्वेश्चन नंबर 1।